रेडियो डी थ्री क्लब में अगली सीरीज कौन सी आएगी और कब से कब तक होगी सीरीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रेडियो डी थ्री क्लब में अगली सीरीज कौन सी आएगी, मींस नेक्स्ट सीरीज कौन सी आएगी और उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, कौन कौन से प्लेयर कार्ड्स होंगे, टीम का स्क्वाड क्या होगा और किन किन देशों के बीच मैच खेला जाएगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे किससे रिलेटेड वीडियो, रेडियो डी थ्री क्लब से रिलेटेड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है या पूछ रहे हैं मुझसे कि रेडियो में टीम कैसे बनाए, पहली बार टीम कैसे बनाए, रेडियो कैसे खेले, रेडियो क्या है, रेडियो में प्लेयर कार्ड्स कैसे खरीदें, प्लेयर कार्ड सेल कैसे करें। तो इन सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रेडियो डी थ्री क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन में आपको रेडियो डी थ्री क्लब का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैंने इसे ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद अगर नेक्स्ट सीरीज जो होती है यहाँ पर अपीयर होती है रेडियो के प्लेटफॉर्म में, तो चलिए चेक करते हैं यहां पे अपीयर हो रही है या नहीं। तो गेमिंग सेक्शन में चलते हैं। अब गेमिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे ऊपर अपकमिंग मैचेज है इसके साइड में, यहाँ पे आप राइट साइड स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कोई सीरीज आने वाली क्या नहीं। तभी इसमें यूएई अफगानिस्तान सुपर लीग 2020 और वर्ल्ड कप T20 जो कि वोमेंस का है उसी के मैच शो कर रहा है। तो चलिए नीचे की तरफ चेक करते हैं, हो सकता है नीचे दिखाई दे रहा हो। तो नीचे भी यहाँ पर PSL के मैचेज हैं, यूएई और अफगानिस्तान के मैचेज हैं, वोमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेज हैं और कोई मैचेज नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जानकारी मिल गई है कि कौन से मैचेज आएंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं आया है, अपडेट नहीं हुआ है रेडियो डी थ्री क्लब के एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों में, लेकिन मेरे पास अपडेट मिल गई है। ये रेडियो की नई अपडेट है कि अगली सीरीज कौन सी आएगी और इसके लिए कौन कौन से प्लेयर अच्छे हैं और कौन कौन से प्लेयर आपके पास होने चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आ गया मार्केट प्लेस पे। अब मार्केट प्लेस में मैं आपको क्या बताऊंगा, मार्केट प्लेस में आपको मैं उन प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस सीरीज में खेलेंगे। तो अगली सीरीज कौन सी है अभी भी डाउट बना हुआ है, चलिए अब क्लियर हो जाएगा। तो ये फिल्टर ऑप्शन में जाना है आपको। फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये टीम्स वाला, तो चलिए इसमें टीम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए इसमें मैंने किया, तो किस किस टीमों के बीच मैच खेला जाएगा अभी पता चल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो टीम ही नहीं है जिस टीम का मैच है अगला, या फिर ये कहें कि जिस टीम का सीरीज है अगला, तो यहाँ पर उस टीम का नाम ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी तक उसका नाम नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो मैं उस दूसरे ऑप्शन की तरफ चल के मैं आपको बताता हूँ कि किन किन टीमों के बीच मैच खेला जाएगा, अगली सीरीज कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसके कौन कौन से प्लेयर कार्ड्स हैं। तो इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे नीचे आना है, जस्ट नीचे। अब ये नेशनलिटी वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसमें जाना है। अब नेशनलिटी वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा सेलेक्ट करना है। ऊपर से तीसरा नंबर जो है, कौन सा है तीसरा नंबर, बांग्लादेश, बांग्लादेश के सामने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे और आना है, जो पाँचवें नंबर पे है उसे भी सेलेक्ट कर लेना है। पाँचवें नंबर पे कौन है, इंग्लैंड, अब आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के 285 प्लेयर हैं और बांग्लादेश के केवल 36 ही प्लेयर कार्ड्स अवेलेबल हैं, तो बांग्लादेश के प्लेयर कार्ड्स की प्राइस बढ़ेगी। और अब पता चल गया होगा आपको कि अगला जो सीरीज आने वाली है वो बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच होगी। ODI और T20 की सीरीज है, कब से कब तक होगी ये भी बताऊंगा और इन दोनों टीमों का टीम स्क्वाड भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, टीम स्क्वाड के साथ साथ बेस्ट प्लेयर भी बताऊंगा और
इनकी कौन कौन सी सीरीज होगी, तो इनके बीच क्या खेला जाएगा, ODI और T20 मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और किसके बीच, बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच में। तो यहाँ पे सारे प्लेयर कार्ड्स अब आपको क्या किसके दिखेंगे, बांग्लादेश और इंग्लैंड के। लेकिन कौन से प्लेयर कार्ड्स आपको लेना चाहिए एक एक दो दो डॉलर में, उसकी जानकारी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टीम स्क्वाड। तो चलिए चलते हैं टीम स्क्वाड की तरफ। तो पहले टीम बताएंगे हम लोग, पहली टीम का टीम स्क्वाड आपके सामने है। पहली टीम है इंग्लैंड, इसका टीम स्क्वाड आप देख सकते हैं, डेविड मलान जो कि एक बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद जेम्स बीन्स लगातार सभी देशों की लीग खेल रहा है और जबरदस्त परफॉर्मर है। जेसन रॉय का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा वीक है लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है। जेसन रॉय के बाद नीचे जाएंगे क्रिस बोक्स, सीनियर प्लेयर और इंग्लैंड की टीम का एकमात्र फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करता है, टेस्ट मैच भी खेलता है, इसलिए अपनी टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और हमेशा की तरह मोइन अली भी यहाँ पे अवेलेबल है और मोइन अली भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर होने के साथ साथ दुनिया भर की लीग खेलता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास ही। उसके बाद रिहान अहमद, इसे मिस मत करना, ये बहुत ही जादुई स्पिनर है और ये आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो इसका प्लेयर कार्ड्स अगर आपको अभी मिल रहा है तो आप अभी जाके खरीद सकते हैं। तो अभी जाओ और चेक करो मार्केट प्लेस में, रिहान अहमद का प्लेयर कार्ड्स अगर एक से दो डॉलर में मिल रहा है तो अभी खरीद लो। उसके बाद सैम करन जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। उसके बाद जोस बटलर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तो इनका टीम स्क्वाड है। तो टीम स्क्वाड में चेंजेस क्या हुआ, रिहान अहमद को लाया गया है टीम स्क्वाड में। और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो नीचे आ गया है अपना फिलिप सॉल्ट, जो कि उसके बाद फिलिप सॉल्ट के बाद आदिल रसीद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और नीचे एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है जिसकी टीम में वापसी हुई है बहुत दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद, और उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन रीस टोपले आ गया है फिर से टीम में और उसके बाद वह प्लेयर आया है जो कि 2 साल बाद अपनी टीम में आया है, उसका नाम है सकीब महमूद, बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर है। तो अगली टीम है बांग्लादेश, बांग्लादेश की टीम स्क्वाड आपके सामने है, नजमुल हुसैन सैंटो, तमीम इकबाल, टी हरिदोय जो है ये बांग्लादेश के अंडर 19 टीम का क्या था, पार्ट था और विनिंग टीम का पार्ट था और इसने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन 403 रन बनाए थे। तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, टी हरदो के लेना बिल्कुल मत भूलना। आफिफ हुसैन भी 19 बांग्लादेश की टीम से आया है और ये बॉलर के साथ साथ बैट्समैन भी है आफिफ हुसैन, तो एक मिडिल ऑर्डर का मेन बैट्समैन है और अभी सीनियर हो चुका है। उसके बाद महमूदुल्लाह मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, वैसे ही शक्ल है, वैसे ही दिखता है, अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुआ। उसके बाद मेहदी हसन जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, इसका नाम है मेहदी हसन मिराज, एक और मेहदी हसन है जो कि केवल स्पिनर है, लेकिन यह है मेहदी हसन मिराज जो कि आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगा T20 में और साथ में गेंदबाजी पूरे 4 ओवर करेगा। और सकीबुल हसन यहाँ पे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कौन से मैच होंगे, तो बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच क्या होगा, ODI मैच और T20 मैचेस। तो ये जो टीम स्क्वाड है ये ODI मैचेस के लिए है, ठीक है, T20 के लिए टीम स्क्वाड में बाद में बताऊंगा। तो अगला प्लेयर है यहां पे लिप्टन दास, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्लेयर है मुसाफिकर रहीम, जो कि एक बहुत ही सीनियर प्लेयर है। इबादत हुसैन जो कि एक फास्ट बॉलर है, ये भी आपकी टीम में होना चाहिए। हसन महमूद एक उभरता हुआ सितारा है बांग्लादेश की टीम का। मुस्तजफुर रहमान आजकल फॉर्म में नहीं है लेकिन आई थिंक ये सीनियर प्लेयर है तो आप इन्हें ले सकते हैं। और ताजुल इस्लाम जो कि लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, ये स्पिनर और हर मैच में विकेट ले रहा है, तो यह एक जादुई स्पिनर की तरह बन गया है बांग्लादेश की टीम के लिए। उसके बाद है तस्कीन अहमद जो कि एक सीनियर प्लेयर है। अब कब से कब तक होगा आप देख सकते हैं, फर्स्ट ODI 1 मार्च से शुरू होगा और लास्ट ODI 6 मार्च को खत्म होगा। T20 मैच 9 मार्च से शुरू होंगे और 14 मार्च को खत्म होंगे। तो कब से कब तक होगी सीरीज आपको पता चल गया है। और क्या मैच होगा, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच ODI और T20 दोनों मैच खेले जाएंगे। तो ये ODI की टीम का टीम स्क्वाड था, T20 टीम का मैं स्क्वाड जल्द ही बताऊंगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे
डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो BAN वर्सेस ENG ODI का टीम स्क्वाड मैंने बता दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।